यहाँ पर आप देख सकते हैं अरमान जो है ना पपीज को पानी पिला रहा है, उनके लिए पानी वगैरह रख रहा था। मेरे दोनों बच्चों को वैसे पेट का बहुत ज़्यादा शौक है, उनके साथ खेलना मस्ती करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है, दोनों ही बच्चों को। मिष्टी को भी बहुत पसंद है। और ये देखिए कैसे शैतानी कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं अभी सुबह के 8 बज चुकी हैं और मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। वैसे इतनी सुबह सुबह में मैं बहुत कम ही ब्लॉग शूट करती हूँ, बट आज मैं कर रही हूँ। तो दोस्तों अभी मैं सफाई करने के लिए जा रही हूँ, सुबह के 8 बज चुकी है, नाश्ता वगैरह सबका हो चुका है, बच्चों ने भी नाश्ता कर लिया, मैंने और राज ने भी कर लिया। तो मैं अभी घर की सफाई कर लूँ, उसके बाद मैंने पर्दे वगैरह भी धोने हैं। और कुछ चीजें ना दिवाली की सफाई करने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, कुछ चीजों को साफ करना। तो मैं आपको कुछ ऐसी चीजें भी बताऊंगी, ऐसी कुछ टिप भी दूंगी बीच में कि जिससे आपको दिवाली की सफाई में हेल्प मिलेगी, जिससे आप रोजमर्रा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं इन टिप्स को, जिससे आपको चीजों की क्लीनिंग में छोटी मोटी चीजों को साफ करने में आसानी हो। तो चलिए फ्रेंड्स मैं सफाई शुरू करती हूँ फिर। तो यहाँ पर सबसे पहले राज ने बोला कि ऊपर की सफाई कर लेते हैं, छत वगैरह की और फैंस वगैरह साफ कर लेते हैं, तो उसके बाद ही हम नीचे की करेंगे। तो वैसे बेटर तरीका भी यही है, आप देख सकते हैं कि पहले ऊपर की सफाई ज़रूरी होती है, उसके बाद मैं नीचे की सफाई करूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना मैसी हो रहा है, सब सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है, तो आप देख ही सकते हैं। पर्दे भी मैंने साथ के साथ उतार लिए थे और अब मैं इन्हें वॉश करने के लिए जा रही हूँ। आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे हाथ में ये जो पर्दों में लगाते हैं ना लट्टू, इस तरह से ये जो होता है तो इसे साफ़ करना कई बार मुश्किल होता है। इसे किस तरीके से साफ़ करते हैं ये मैं आपको एंड में बताऊँगी अभी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो फ्रेम को आप इस तरीके से साफ कर सकते हैं, इस तरह जो सफेदी के ब्रश आते हैं ना पेंट वगैरह करते हैं जो ब्रश होते हैं छोटे, तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को साफ कर सकते हैं, या डेकोरेटिव आइटम कोई भी अगर आपके पास होती है, शोपीस आइटम होती है तो इस तरीके से आप उन्हें साफ कर सकते हैं। इनमें जो काफ़ी बार छोटे छोटे जाले लगे होते हैं ना वो ईजिली साफ हो जाते हैं इस तरीके से, तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है, आप कर सकते हैं इस तरीके से। तो फैन काफ़ी चमक रहा है इस वक्त, देखिए राज ने बहुत ही अच्छे से साफ़ कर दिया। वैसे मैंने फैंस को कैसे साफ़ किया मैं बता देती हूँ। मैंने इनको थोड़ा सा एक मग में सरफ और शैम्पू मिक्स कर दिया था जिससे कि वो अच्छे से साफ़ हो जाए। पहले आप एक गीले कपड़े से इसे थोड़ा गीला और थोड़ा सूखे कपड़े से साफ़ कर लीजिए, उसके बाद एक सूखे कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लीजिए, इस तरीके से अच्छे से साफ़ हो जाता है। और मैं अभी ये रूम को धो रही हूँ क्योंकि दो रूम रहते थे, दो रूम मैं पहले धो चुकी थी, दो एक रूम रहते थे, तो आपको पता ही है यार कि मतलब एक साथ सफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भी मैंने कर लिया, बट पहले मैंने दो रूम साफ़ कर लिए थे तो दो रूम रह गए थे तो मैंने अभी साफ़ करे हैं। तो मैं इस तरीके से ही हर साल सफाई करती हूँ। और आप देख सकते हैं बाहर भी सारा भी बिखरा पड़ा है, बस बाहर का रह गया, सीढ़ियाँ वगैरह मैंने धो ली अच्छे से, आप देख सकते हैं। तो बस अभी मैं बाहर का वॉश करूँगी, अंदर मैंने सारा अच्छे से पोछा वगैरह लगा दिया है, अंदर सारी सफाई हो चुकी है आप देख सकते हैं अभी। और बच्चों ने भी गाइस इस काम में वैसे मेरी काफ़ी हेल्प की है, थैंक गॉड कि मेरे बच्चे मतलब मेरी बहुत हेल्प कराते हैं सच में, और बहुत लगी हूँ कि मेरे बच्चे भी मेरी इन चीज़ों में हेल्प कराते हैं, समझते हैं सब कुछ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसे कैसे साफ़ करूँगी, जो पर्दे की ये जो आप सामान देख सकते हैं इस तरह से लगाने का जो होता है कैप होती है, तो मैं इसे एक सरफ लूँगी, एक मग में थोड़ा सा सरफ ले लीजिए, इसमें पानी डाल लीजिए और इसे थोड़ी देर डुबो कर रख दूँगी इसमें, इस तरीके से अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए सरफ को, इसमें डुबो कर रख दीजिए इसे 15 से 20 मिनट तक। उसके बाद इतना आप अपना कोई और काम कर सकते हैं। तो इसके बाद अब आप देखिए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और मैं अभी से एक सूखे कपड़े पर साफ़ कर रही हूँ इस तरीके से। आपने देखा था कि किस तरीके से ये गंदा हो रहा था उस वक्त, तो मैंने इसके जाले थोड़े से ब्रश की हेल्प से साफ़ कर दी, तो उसके बाद मैंने इसको इस सरफ के पानी में डिप कर दिया था। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से क्लीन हो गए हैं, कितना चमक रहे हैं, ये काफ़ी अच्छा तरीका होता है क्योंकि इन पर भी काफ़ी डस्ट जमा हो जाती है। तो अभी शाम के 5 बज चुकी है और मैं यहाँ पर चाय नाश्ता वगैरह कर रही हूँ, बच्चों को भी काफ़ी भूख लग रही थी तो बस मैंने अभी स्नैक्स फ्राई किए हैं, कुछ स्नैक्स वगैरह बनाए हैं और चाय है साथ में, तो इससे क्या होगा थोड़ी सी थकान भी दूर हो जाएगी और पेट भी भर जाएगा, तो बस अभी चाय पी है हमने। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आप सभी को मेरी तरफ से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं और माँ लक्ष्मी की आप पर भी खूब कृपा बरसे। तो मैं कल एक्चुअली व्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि कल बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, और आप मुझे अभी नेक्स्ट डे देख रहे हैं क्योंकि आज धनतेरस है और मैंने धनतेरस से एक दिन पहले जो भी साफ सफाई थी वो सारी कर ली है, जो छोटा मोटा रहता था टोटली सब कुछ कर चुकी हूँ मैं सफाई। और अभी सुबह की 11 बज रही है तो मैंने मंदिर वगैरह भी सब कुछ साफ कर दिया है। अभी मैं जा रही हूँ धनतेरस की शॉपिंग के लिए, यानी कि मैं दिवाली के लिए भी जो भी कुछ खरीदारी करनी है, डेकोरेटिव आइटम जो भी कुछ खरीदनी है वो भी मैं खरीदारी करूंगी आज ही सब कुछ। और तो चलिए दिखाती हूँ और आप भी चलिए मेरे साथ कि क्या कुछ खरीदा है मैंने और कैसे मैं शॉपिंग करती हूँ, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मैं मार्केट पहुँच चुकी हूँ और अभी मैं दिए ले रही हूँ, और जो भी मुझे दिए वगैरह लेने हैं वो ले रही हूँ। इसके बाद काफ़ी लेट हो गया था गाइस मुझे, तो अभी आप देख सकते हैं कि शाम के 6 बज चुकी हैं
तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी रौनक हो रही है बाजार में, लाइट्स कितनी अच्छी लगती हैं। मुझे इस तरह के नज़ारे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और ख़ासतौर से फेस्टिवल में तो बाज़ारों की रौनक देखते ही बनती है, बहुत खूबसूरत लगता है ये नज़ारा। वैसे मैं जितना आपको दिखा सकती थी मैंने कवर किया है अच्छे से और मार्केट में रश भी बहुत था। इसके बाद मैं अभी जा रही हूँ मॉल में, विशाल मेगा मार्ट में जाऊँगी मैं, तो कुछ मैंने डेकोरेटिव आइटम देखनी है, मैं वहाँ से परचेज करूँगी, तो चलिए आप भी मेरे साथ। तो यहाँ पर मैं विशाल मेगा मार्ट पहुँच चुकी हूँ और अभी मैंने यहाँ से कुछ बच्चों के लिए हेयर बैंड्स वगैरह लिए हैं, मैंने वानी और मिष्टी दोनों के लिए लिए हैं और ये एक फ्लावर पॉट मुझे बहुत अच्छा लग रहा था तो ये एक मैं खरीदूंगी फ्लावर पॉट। एक्चुअली जो मेरी एक छोटी टेबल है ना वहाँ के लिए मुझे चाहिए था, तो मैं काफ़ी कन्फ्यूज हो रही थी एक्चुअली, राज को बोल रही थी कि मुझे प्लीज़ चूज़ करने में हेल्प करो। सो गाइज मैं वापस आ चुकी हूँ शॉपिंग कर और तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या कुछ परचेजिंग की है, क्या कुछ खरीदारी की है, आशा करती हूँ आपको पसंद भी आएगा, तो चलिए देख लेते हैं। तो ये है फ्रेंड्स वो बड़ा सवाल जो मैं लेना चाहती थी, मैं एक्चुअली काफ़ी टाइम से इसे लेने की सोच रही थी, तो आप देख सकते हैं इस एरिया में क्योंकि मेरी बैकग्राउंड में नज़र आता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और धीरे धीरे आप काफ़ी सारे जेंटिस भी देखेंगे। तो ये एक बड़े वाला फ्लावर पॉट है तो ये मैंने परचेज किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक रंगोली का ये स्टिकर लिया है और कुछ रंगोली के पैकेट लिए हैं, नेल पेंट्स लिए हैं, हेयर पिंस लिए हैं और एक मैंने ये VLCC की ब्लीच परचेज की है। जो भी ज़रूरी सामान था कुछ मैंने वो लिया है। एक मैंने आप ये देख सकते हैं ये पॉट मुझे बहुत अच्छा लग रहा था फ्लावर पॉट, एक ये लिया है। ये दो मैंने हेयर बैंड्स लिए हैं सेम कलर के और एक मेरा ये मॉइस सॉफ्ट का मॉइस्चराइजर एक्चुअली खत्म हो गया था तो मैंने ये भी ले लिया है और एक मैंने ये लिया है ऑयल बर्नर लिया है। इस तरीके से आप इसमें एसेंशियल ऑयल डालकर ले सकते हैं, ये लेवेंडर फ्लेवर में आता है। और एक मैंने ये क्लब का परफ्यूम परचेज़ किया है। नेक्स्ट जो मैंने लिया है ये एसी का कवर है। एक्चुअली मेरा एसी खुला था तो उसमें डस्ट वगैरह जाने का बहुत डर रहता है इसलिए मैंने एसी का कवर भी ले लिया है। और ये मैंने बच्चों के लिए लिया है आप देख सकते हैं बास्केट। और एक मैंने सैंडल का फेस पैक लिया है। VLCC फेशियल किट भी मुझे मैंने ये ट्राई करनी थी तो मैंने ये भी लिया है। एक लैक्मे का आईलाइनर लिया है, बिंदी के पत्ते हैं, चूड़ियाँ ली हैं और एक लिप गार ली है तो और कुछ रुई की बत्तियाँ जो आती हैं दियो के लिए। और ये आप देख सकते हैं खूबसूरत सी विंड चाइम्स ही मैंने ली हैं। तो बस यही कुछ शॉपिंग की थी मैंने गाइस। और गाइस बाजार में बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो मैं बहुत ज़्यादा तो शूट नहीं कर पाई हूँ और जितना भी कर पाई हूँ मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और बस वही कुछ मैंने शेयर किया भी है आपसे क्योंकि बाजार में आप जब भीड़ होती है ना तो थोड़ा सा शूट करना मुश्किल हो जाता है। बहुत ज़्यादा भीड़ थी गाइस और आप समझ भी सकते हैं दिवाली का टाइम है तो बाजारों में तो भीड़ होगी और लाजमी भी है। और बाजारों की रौनक मुझे बहुत अच्छी लगती है जब लाइट्स लगी होती हैं शॉप्स पर तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अट्रैक्ट करती है ये चीज़ें मुझे। और दिवाली तो वैसे भी लाइट्स का त्यौहार है, मतलब रोशनी का त्यौहार है तो अच्छी लगती है रोशनी हर तरफ, बहुत अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स देखा आपने यही कुछ शॉपिंग की थी मैंने तो आशा करते हैं आपको पसंद भी आई होगी। अभी शाम हो चुकी है और मुझे शाम की डेकोरेशन भी करनी है, धनतेरस की पूजा भी करनी है और शाम के भी खाने वगैरह की तैयारी करनी है। तो चलिए मैं इस व्लॉग का यही एंड करती हूँ। दुआ करती हूँ आपको सब पसंद आया होगा और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूले, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हैप्पी दिवाली एंड सेफ दिवाली गाइज। और बच्चों के साथ हमेशा आप बड़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप उनके साथ पटाखे बजा रहे हैं तो इस चीज़ में उनके साथ ज़रूर रहिएगा और अपनी सेफ्टी भी करिएगा और अपने परिवार की भी, अपने बच्चों की भी सेफ्टी के साथ ही मतलब आप दिवाली मनाइएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी दिवाली।